हाय दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले हमने जो जो पहले वीडियो बनाए थे उसमें हमने बताया था कि जीमेल किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। तो आज हम बताएंगे कि जीमेल को किस तरीके से डिलीट किया जाता है और पासवर्ड है जो अगर आप उसका भूल चुके हो तो किस तरीके से रिकवर किया जाता है, ये दो चीजें हम आज बताने वाले हैं आपको। तो वीडियो को तो देखते रहे, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बता रहे हैं कि किस तरीके से आप एक गूगल अकाउंट को डिलीट कर सकते हो, ठीक है, रिमूव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो हमेशा के लिए। तो सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लें। तो जैसे हमने ब्राउज़र ओपन कर लिया है तो यहाँ पे आप लिख लीजिए गूगल लॉगिन। तो यहाँ पे जाके आप सर्च कर लीजिए, गूगल लॉगिन कर किया है तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि एक कॉर्नर में सिंग इन का ऑप्शन होगा, या तो यहाँ पे ओके कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक आईडी चल रही है, तो इसकी वजह से आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अगर वो ही चल रही है तो आप ऐसे टिक किया हमने। अब यहाँ पे देखिए दो आईडी आ चुकी है, तो हमें ऊपर वाला नहीं करना क्योंकि वो हमारा चैनल, हमें नीचे वाले डिलीट करनी है तो हमेशा के लिए। तो इस पर ओके करते हैं, उसके बाद उसी पर दोबारा से ओके करते हैं, ठीक है। तो नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा कि मैनेज योर गूगल अकाउंट्स, इस पर ओके करते हैं। इस पर ओके करने के बाद में देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा पहले फर्स्ट वाला होगा होम, उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्म, उसके बाद डाटा पर्सनलाइज। तो पर्सनलाइज पे जाकर हम ऊपर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद में नीचे ऑप्शन आएगा एक, ये यहाँ पे आ गया। देखिए जी यहाँ पे तीन ऑप्शन है, एक तो डाउनलोड यूअर डाटा और मैक ए प्लान यूअर अकाउंट्स। तो नीचे लिखो डिलीट सर्विस यूअर अकाउंट, तो डिलीट सर्विस अकाउंट पे हम ओके करते हैं। तो यहाँ पे अब तीन ऑप्शन आते हैं, एक तो आता है कि डिलीट सर्विस गूगल, एक डिलीट यूअर अकाउंट्स एंड एक्सपोर्ट यूअर डाटा। तो हमें डिलीट पर ओके करना है, तो हमें डिलीट करना है तो डिलीट पर ओके किया। उसके बाद में वो पासवर्ड पूछता है जिस आप ईमेल का जो आपने बना रखा है, तो उसको हम पासवर्ड को डाल देते हैं, ओके। तो नेक्स्ट करते हैं, सॉरी पासवर्ड थोड़ा गलत हो गया था। सॉरी पासवर्ड शायद हम भूल चुके हैं। ओके सही लग गया पासवर्ड। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ लिखा होता है डिलीट योर गूगल अकाउंट्स, ठीक है। थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे ऊपर तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, तो आप इनको एग्री पे कर लें टिक मार करके, ठीक है। तो यस आई वेट टू परमानेंटली डिलीट दिस गूगल अकाउंट एंड ऑल इट्स डाटा, मतलब जितना इसमें डाटा है वो भी डिलीट हो जाएगा और ये हमेशा के लिए डाटा हो जाएगा, डाटा भी डिलीट हो जाएगा और गूगल भी अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिलीट अकाउंट पे करते हैं, ओके। तो ये देखिए हमेशा के लिए ये जो गूगल अकाउंट से ये डिलीट हो चुका है। वो हम कैसे जानेंगे, यहाँ से हम पीछे करते हैं और फिर दोबारा से गूगल लॉगिन लिखते हैं, ठीक है। गूगल लॉगिन लिखने के बाद में हम यहाँ पे देखिए साइड में तीन आ गए, यहाँ पे हम देख दर्शाते हैं अपनी उसी को। तब यहाँ पे देख सकते हैं आप वो अकाउंट्स है जो ये देखिए वैसे से हो रहा है, बाकी ये डिलीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ से आप इसको रिमूव कर दें, अब हमेशा के लिए ये डिलीट हो गया। तो इस तरीके से आप कोई भी अकाउंट हो तो उसको आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसी तरीके से डिलीट कर सकते हो। और आप और सीखने के लिए थोड़ा अच्छा लगा तो लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन।